नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जेसीबी काम कर रही है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जेसीबी जो काम कर रही है, ये बन रहा है अमेठी का बाईपास, जो कि पुलिस लाइन के मध्य से, यानी कि जो है पुलिस लाइन ऑफ वन विभाग है, ककवा रोड पे पड़ता है, वहाँ के मध्य से निकल के जाएगा गौरीगंज रोड की तरफ, जो देवीपाटन मंदिर की तरफ रोड पड़ता है, हीरा सोनारी का पूर्वा गाँव पड़ता है, आप लोग अगर परिचित है। तो आज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने दिखाया था कि अमेठी बाईपास का कार्य जो है अब प्रारंभ हो गया है, और इससे पहले हमने जो आपको दिखाया था कि जो फ्लाईओवर है वहाँ का कार्य पूरा हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अब दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ प्रारंभ है, तो यहाँ गाड़ियाँ आए दिन जो है बिल्कुल जाम लग जाता है, हैवी ट्रक्स आते हैं, सब लोडेड माल आता है इस रोड से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब गड्ढे उड्ढे सब खुद गए, खैर कार भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा ट्रैक दिखाते हैं, आप जो एंजॉय करिए अपने जो है अमेठी का, कि वहाँ पे क्या हाल चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ये दूसरा ट्रक निकला है, और इसी प्रकार से यहाँ मतलब पूरा का पूरा हैवी जो है लोड के साथ हर प्रकार के माल जो है आते रहते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, हम आगे पूरा आपको ट्रैक लेके चलते हैं, पूरा बाईपास दिखाते हैं, आप इंजॉय करें इस वीडियो का, और हम आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ जहाँ जेसीबी कार्य कर रही है, वहाँ ट्रक जो है एक के बाद एक निकल रहे हैं। बहुत हैवी ट्रैफिक यहाँ पे हो गया है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर अमेठी की बात करें, यानी कि चौक अमेठी से ककवा रोड की बात करें, तो वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। वहाँ आवागमन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर चल रहा है फ्लाईओवर का निर्माण, और वहाँ का जो ट्रैफिक है वो इसी रोड पर आता है। हम आपको इस वीडियो में पूरा ट्रैक लेके चलेंगे और वहाँ की पूरी स्थिति दिखाएंगे। और जैसा कि अब यहाँ पर जो है दुकानें बनने लगी हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ 6-7 दुकानें बनी हैं, क्योंकि अब जो है निकटतम भविष्य में जब वहाँ फ्लाईओवर बनेगा दोनों ओर, तो वहाँ पे जो है बिज़नेस मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोगों को इसी तरफ आना है। तो लोगों ने पहले से ही अपने जो है जिसके पास जैसी क्षमता है वैसे अपना जो है यहाँ पर अपनी अपनी ज़मीनों पर दुकानें बनानी चालू कर दी हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अब सफ़र पर। आप देख सकते हैं ये दाएं हाथ को मेरे अमेठी की पुलिस लाइन है, जनपद अमेठी के रिजर्व पुलिस लाइन है ये, और यहाँ से हमने अपना सफ़र चालू किया है। ये पुलिस लाइन जो है पड़ती है सीधे ककवा रोड, जब आप रेलवे फाटक पार करके आते हैं तो वहाँ से मात्र 400-500 मीटर दूरी पर, और दाएं हाथ में किसान बीज भंडार है, और ये देख सकते हैं आप छोटी सी एक मार्केट नुमा है। अब यहाँ से आपका चालू होता है अमेठी बाईपास। हम इस मोड़ से अब सीधे आपको लेके चलते हैं बाईपास। तो सबसे पहले तो आप यहाँ की देखिए हालत क्या है दोस्तों। आप मेरे दाएं हाथ पे देख रहे हैं जो बाउंड्री वॉल, वो है रिजर्व पुलिस लाइन की बाउंड्री वॉल, और बाएं हाथ को जो देख रहे हैं वो है वन विभाग का ऑफिस। और आप ये देखिए कि ये रोड कितना क्षतिग्रस्त है, कि यहाँ चल पाना भी जो है मुश्किल है, ख़ासतौर पे जब कोई गाड़ी आ जाती है तब तो यहाँ से पार कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जब वीडियो बन रहा है आप पूरी वीडियो में देखते रहेंगे किस प्रकार से जो है झटके लग रहे हैं, कंपन हो रहा है। मेरे बाएं हाथ पे ये देख रहे हैं आप राज ऑटो गैरेज, जहाँ के ट्रैक्टर्स की रिपेयरिंग होती है। और ये जो अभी वर्तमान में जिस पे हम चल रहे हैं, काले रंग की जो है रोड है डम, इसकी चौड़ाई थी 3 मीटर। और दोस्तों, उससे पहले आप दाएं हाथ को देखिए सफ़ेद कलर की जो बाउंड्री वॉल है, ये है किसान मैरिज हॉल, यहाँ पर शादी समारोह के लिए जो है बुकिंग वगैरह होती है। और देखिए, तो हम बता रहे थे कि ये 3 मीटर की रोड है, अब वर्तमान में अब जब ये रोड बन रही है, निकटतम भविष्य में ये आएगी 5.5 मीटर चौड़ी रोड, जो कि पर्याप्त नहीं है कि जो है इस पे हैवी व्हीकल्स या एक साथ दो गाड़ियां निकल आए, लेकिन ठीक है जैसे गवर्नमेंट की इच्छा। और ये बगल में सेपेन स्कूल का रास्ता गया है, यहीं पे सेपेन स्कूल है, और यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो में दिखाया जेसीबी कार्य कर रही थी, और ये देखिए यहाँ पे 7 दुकानें हैं। जिसको भी अगर दुकानें किराए पर लेनी है तो वो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर नहीं है अमेठी से। अगर आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम उसके लिए भी आप लोगों को बातचीत करवा देंगे। और अब हम आगे चल रहे हैं, हम पार किए हैं नथन शुक्ल के पुरवा गांव, जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं वो जानते हैं। दोस्तों, आप मेरे दोनों साइड देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लगभग 1.5 मीटर इधर दाएं और 1.5 मीटर बाएं खोद दिया गया है। और देखिए ग्रामीण परिवेश कितना सुंदर होता है, आप देख सकते हैं ऊपर सूरज और नीचे गेहूं की फसल पक गई है, तो वाकई कितना कलरफुल है, पीछे फसल पकी है, आगे ये देखिए फसल हरी है, और सूरज की रोशनी में कितना अच्छा परिवेश लग रहा है। जेसीबी यहाँ कार्यरत है, ये जो बगल में गड्ढे खोद रही है। और रहा मैं बता रहा था, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रंग हैं, सुनहरा भी है, हरा भी है, गोल्डन कलर दो ही रहा है, सूरज की किरणें आपा फैलाए हुए हैं।
और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बगल बगल में मिट्टी रखी है, इन्होंने गड्ढे मतलब अपना खोद लिया है, जगह बनाई है। वो जगह क्यों बनाई है ये देखिए, दाएं हाथ को ये जो मेटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी कि आपको बोल्डर्स दिख रहे हैं, गिट्टी दिख रही है, स्टोन चिप्स दिख रहे हैं, कुछ भी बोलिए, रॉ मेटेरियल है। एक्चुअल इसका जो कहा जाता है वो होता है GSB। इसमें स्टोन डस्ट, जो कृषि प्लांट में पत्थर टूटते हैं तो उसकी डस्ट निकलती है वो, प्लस जो ओवर साइज जो स्टोन चिप्स हो जाते हैं बुल्डर्स टूटने के बाद हो जाते हैं, पत्थर के टुकड़े वो होते हैं। अमूमन ये 40 mm के जो है ऊपर होते हैं, तो वो दोनों मिला के रोड में सबसे नीचे लेयर एक बिछाई जाती है। सो इस लेयर को बिछाया जा रहा है और परिवेश तो ग्रामीण पूरा है, और वर्तमान में रोड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त है, यहाँ चल पाना मुश्किल है, जैसे कि वीडियो में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। साथ ही साथ इस समय तो हम जब निकले तो ये चूज़ करके निकले शाम का समय कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, नहीं तो यहाँ जब ट्रक की कतारें होती हैं तो दोस्तों ऐसा डर लगता है कहीं भीड़ ना जाए ट्रक वगैरह भी, क्योंकि लोडेड ट्रक आते हैं और वो चलने लायक अभी ये रोड नहीं है, और जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ पर घंटों जाम लगने की स्थिति बन जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी ट्रक कच्चे में नहीं उतर पाता है और बैग भी नहीं हो पाता है। तो ये हमारा हो रहा है अमेठी बाईपास का निर्माण, जो कि पुलिस लाइन और वन विभाग के मध्य जो सड़क जाती है नथन शुक्ल कपुरवा से हेरा सुनारी का पुरवा जाते हुए मिलता है आपको अमेठी गौरीगंज रोड में। और आप मेरे बाएँ हाथ पर देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल है, देवीपाटन स्कूल है ये प्राइमरी, और यहाँ पर जो है शिक्षा दीक्षा बच्चों की होती है ग्रामीण परिवेश में। पुनः एक बार देखिए सूरज कितना लालिमा बिखेरे हुए है, बिल्कुल वाइट में हल्का सा येलो कलर रेड कलर, कितना सुहाना लगता है। दोस्तों इस वीडियो की आपने बहुत पहले मुझसे डिमांड की थी, उस समय यहाँ कार नहीं चल रहा था, इस वजह से मैंने आपको वीडियो नहीं बनाई थी। और ये देखिए गड्ढे कितने ज़्यादा गड्ढे हैं, और दुविधा की बात यह है कि वहाँ पर अमेठी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, पूरा रास्ता ब्लॉक है, यानी ककवा रोड और किठावर रोड दोनों ब्लॉक है, कहीं से आप नहीं आ सकते, कोई ऑप्शन नहीं है कि साइकिल क्या पैदल भी जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है वहाँ पर। और यहाँ इसी समय इसका कार्य भी लगा दिया गया, यहाँ से आपको टर्न करना पड़ता है तो आपको सेपेन स्कूल का बोर्ड दिखता है, ये पहचान है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए। और ये गाड़ियों ने जो है डंप किया है राइट हैंड पे GSB मटेरियल, जो कि इसके ऊपर बिछाया जाएगा रोड के ऊपर। इसमें कई लेयर में काम होता है, सबसे ऊपर आपका जो है फिलहाल डामर की रोड है ये, तो डामर का प्रयोग होता है, उसमें भी जो है 40 mm, 20 mm, 10 mm, और फिर जो है फिंसिंग, ये सब बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ये तो हो जाता है सिविल उसका। फिलहाल आप ये रोड देखिए, जगह जगह लोगों ने अपना जो है रोड के किनारे आने का, कहीं खुशी कहीं गम भी है, तो गम तब होता है जब ज़मीन जाती है मुआवजा सही नहीं मिलता, हालाँकि यहाँ किसी प्रकार का मुआवजा गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ना ही बहुत ज़्यादा ज़मीन ऑक्यूपाई की है। खैर अमेठी में जितना फ्लाईओवर बना है उसमें भी किसी को कोई मुआवजा नहीं है, और जो यहाँ पे रोड बन रहा है इसका भी कहीं किसी को कोई मुआवजा नहीं है। वैसे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कि अमेठी फ्लाईओवर का भी निर्माण हो रहा है, वहाँ रोड बिल्कुल ब्लॉक है, साथ ही साथ इस पर तुरंत काम लगा दिया गया कि अभी यहाँ पे भी दिक्कतें हैं? हमारे हिसाब से तो पहले जो है कम से कम इस रास्ते को इतना कर दिए होते कि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ आराम से आती जाती, क्योंकि सारा ट्रैफिक यही आ गया, और अब यहाँ पर भी जो है इन्होंने कार चालू कर दिया है, तो आदमियों को आने जाने का रास्ता तो कहीं से मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बंद है ककवा रोड आना जाना। दूसरा यहाँ से आना जाना बहुत भारी पड़ रहा है, जब यहाँ पे गाड़ियाँ आपस में जो है ऐसी स्थिति बन जाती है कि टकराने लगती हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है घंटों घंटों। इसको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप अमेठी वासी हैं तो आप अच्छे से परिचित हैं इस रोड से, इस रास्तों से, हालांकि इस रास्ते पे बहुत कम ही आप आए होंगे, ये तो मेरी गारंटी है। अगर आए हैं तब भी आप कमेंट में हमें बताइएगा, क्योंकि ये रास्ता पहले तो कुछ था ही नहीं, जैसे उखड़ा है, तो यहाँ जंगल हुआ करता था, दोनों साइड कटीले पेड़ पौधे होते थे, हम जब निकलते थे यहाँ से तो डर था कहीं हमारी जो है जब साइकिल से निकलते थे या मोटरसाइकिल या कार से निकलते थे कहीं पंचर ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये गौशाला है, ये है तो निर्माणाधीन, लेकिन ऐसी दुर्दशा है कि यहाँ पर जो है कब से निर्माण चल रहा है, और यहाँ आवारा पशु जो है फसलों को बहुत बुरा नुकसान करते हैं, कि किसानों को जो है जितना इनकम खेती से नहीं है उससे ज़्यादा जो यहाँ नुकसान है। और बगल में ही उसके सेपेन स्कूल था, जो कि आपने बोर्ड देखा था, जिस बोर्ड से हम टर्न किए थे, और ये टर्न होता है यहाँ पे, देख सकते हैं लोगों के घर वगैरह बने, हमारे मित्र का बंधु का घर है, तो इसी बहाने हम वहाँ भी मुलाकात करते चलते हैं। और हम अब पहुँच रहे हैं रेलवे फाटक,
तो एक रेलवे फाटक अमेठी में विडंबना थी कि वहाँ रेलवे फाटक से दिक्कत थी, तो ब्रिज बन रहा है। दूसरा बाईपास पे रेलवे फाटक बन रहा है, मतलब रेलवे फाटक है वहाँ बाईपास। तो आने वाले समय में आपका क्या ओपिनियन है इसको भी बताइएगा, कि यहाँ भी तो वही हाल रहेगा, घंटों घंटों जाम रहेगा, ये फाटक बंद रहेगा, या तो अल्टरनेट इस पे जो है अंडरपास दें या ब्रिज बनाएं, भगवान जाने क्या होगा। किंतु लोगों को आवागमन बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और दोस्तों सामने आप देख सकते हैं, जब ये मेन रोड पे निकलते हैं, यहीं ये रोड निकल रहा है, सामने जहाँ पे जो कार चल रहा है वो फ्लाईओवर बना है, यानी कि अमेठी बाईपास जो बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, उसको जोड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन बन रहा है, नो डाउट। तो हम यहाँ पे आपको ये दिखा दें कि अमेठी का जो रेलवे ट्रैक है, दाएं ओर गौरीगंज जाता है, बाएं ओर अमेठी जाता है। और हम अब यहीं से वापस होते हैं, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ हम आपको अमेठी जो रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है, यानी फ्लाईओवर बन रहा है, उसका वीडियो भी दिखाएंगे। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लोगों ने डिमांड की थी अमेठी बाईपास का दिखाने के लिए, तो हमने आपको अमेठी बाईपास का पूरा दिखाया, यहाँ क्या कार्य चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कुछ और डिमांड है तो वो भी हम आपकी पूरा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।